इस साल देश में हिट वेव यानी कि गर्मी ज्यादा परेशान करने वाली है। फरवरी में ही तापमान सामान्य से 7 से 10 डिग्री ऊपर पहुंच गया है और आशंका यह भी है कि यह सिलसिला आने वाले पूरी गर्मी के दौरान जारी रहेगा। यानी गर्मी जल्दी तो आई है और देर तक जारी रहेगी, साथ ही तापमान में विषमताएं भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। उत्तरी और पश्चिमी भारत समेत लगभग पूरे देश में इन दोनों तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई छू रहा है। दिल्ली में तापमान फरवरी के महीने में ही 33 डिग्री तक पहुंच गया है, जो सामान्य से 7 डिग्री अधिक है। आम तौर पे फरवरी के महीने में मजबूत वेस्टर्न डिस्टरबेंस देखने को मिलते हैं, जिससे बारिश भी होती है और तापमान भी अधिक नहीं बढ़ता। लेकिन इस साल मजबूत की जगह कमजोर वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहे हैं, वो भी एक के बाद एक, जिसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक तरह की एंटी साइक्लोनिक मूवमेंट पैदा करती है, यानी हवा क्लॉकवाइज घूमती है। इसी वजह से भारत के रेगिस्तानी इलाके के साथ साथ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी गर्म हवाएं पश्चिमी भारत होते हुए उत्तरी मैदानी इलाके के तरफ रुक कर रही है और वहाँ गर्मी बढ़ रही है, तो कुछ इलाकों में सामान्य से 10 डिग्री तक ज्यादा है। मौसम की मौजूदा गर्मी 23 फरवरी तक बने रहने के आसार है, लेकिन परेशानी ये भी है कि मौसम विज्ञान इस बार हिट वेव के भी ज्यादा ही भयंकर होने का अनुमान जता रहा है। इस बार हिट वेव के भी ज्यादा ही भयंकर होने का अनुमान जता रहा है।